हे गाइस, वेलकम टू स्टडी ब्लॉक। यह ऐतिहासिक वीडियो अप्रैल 1984 का है, जब राकेश शर्मा जी, जो कि भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे, उन्होंने स्पेस से तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी से बात की थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने राकेश शर्मा से कुछ सवाल किए। इंदिरा गांधी जी ने राकेश शर्मा से पूछा कि ऊपर से अंतरिक्ष कैसा दिखता है। राकेश शर्मा जी ने उत्तर दिया, सारे जहां से अच्छा। आपको बता दें कि राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 को अपने स्पेस मिशन के लिए निकले थे और वे भारत के पहले और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री बने। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, सारे राष्ट्र का ध्यान आपके तरफ है और हम सब आपको बधाई देते हैं। यह एक ऐतिहासिक कदम है। मेरी आशा है कि इससे हमारा देश अंतरिक्ष के प्रति जागरूक होगा और साथ ही हमारे युवकों को साहसिक कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। प्रश्न तो आपसे बहुत से पूछने हैं, लेकिन थोड़े से पूछती हूँ। जमीन पर तो आपकी ट्रेनिंग बहुत कठिन रही और एक वैसा ही वातावरण बनाया गया जैसे कि अंतरिक्ष में होता है। अब आप वास्तव में अंतरिक्ष में हैं, तो क्या वैसी ही हालत है या कुछ अलग लग रहा है? पहले तो मैं भारत के नागरिक होने के नाते आपको धन्यवाद देता हूँ और मेरे क्रू मेंबर्स भी मेरे साथ आपको धन्यवाद देते हैं आपकी बधाई के लिए। जैसे आपने कहा, हमारी ट्रेनिंग बहुत रवीश मल्होत्रा की और मेरी दोनों की ट्रेनिंग काफ़ी मुश्किल थी, मगर अभी हमें आके पता लग रहा है कि ये जो ट्रेनिंग हमें मिली, ये ट्रेनिंग ज़रूरी थी, क्योंकि जब हमारी डॉकिंग मनूवर हुआ है बगैर किसी तकलीफ के, हमें तो ऐसे लगा जैसे कि हम सिमुलेटर में ही बैठे हुए हैं। तो ये हमें सब बताता है कि जो ट्रेनिंग हुई है, कड़ी ट्रेनिंग, इसकी ज़रूरत थी, जिसकी वजह से हम बगैर किसी तकलीफ के सक्सेसफुल डॉकिंग कर पाए हैं। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहाज से अच्छा। और आप क्या महसूस कर रहे हैं? तबीयत अच्छी है? आपको हमको या अपने परिवार को कुछ खास कहना है? बड़ी मेहरबानी जी, कहना चाहता हूँ कि तबीयत बिल्कुल ही अच्छी है, ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं हम। इनफैक्ट कल जब ये हमारी डॉकिंग इधर हुई, जो यहाँ क्रू मेंबर्स ऑलरेडी थे, किजेम बलोजा और अलेक, इन्होंने हमारे लिए खाना तैयार किया हुआ था, टेबल पे बिछाए हुए टेबल कवर, तो फूल तैयार किए हुए थे, प्लास्टिक के थे या फ्रेश तो मिल नहीं सकते, और गर्म हमने खाना खाया। कोई प्रॉब्लम हमें यहाँ नहीं महसूस हो रही है, वेस्टिकुलर प्रॉब्लम कोई नहीं है और सब हम बिल्कुल मज़े में हैं, जैसे आप देख ही रहे हैं। आपके कार्य का बहुत बड़ा महत्व है, इससे बाह्य अंतरिक्ष के रहस्य खुलेंगे और हमारी धरती के पर्यावरण पर उसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। ज़रूरत की अन्य सूचनाएं भी हमें मिलेंगी। हम चाहते हैं कि इस ज्ञान का प्रयोग विश्व कल्याण और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए हो। विंग कमांडर रवीश मल्होत्रा ने भी बड़ी मेहनत की, उनकी भी हम प्रशंसा करते हैं। आपकी उड़ान भारत और सोवियत संघ के बीच मैत्री की एक सुंदर मिसाल है। इस क्षेत्र में सोवियत संघ के उदारतापूर्ण सहयोग की भारत सरकार सराहना करती है। हमारे देश के लोगों की निगाहें आपकी ओर लगी हैं और वे हमारी बातचीत भी सुन और देख रहे हैं। हमारे देशवासी, हमारा पार्लियामेंट और व्यक्तिगत रूप से मैं आप और आपके सह अंतरिक्ष यात्रियों कर्नल यूरी मालेशेफ और श्री गेन्नाडी स्ट्रेकलोव की सफलता और सुरक्षित वापसी की प्रार्थना करते हैं। आप सबको मेरी शुभकामनाएं। जय हिंद। मैं कुछ लफ्ज अब अंग्रेजी में कहूंगी। ग्रीटिंग्स फ्रॉम इंडिया टू यू ऑल। वी सॉ द लॉन्चिंग ऑफ योर स्पेसक्राफ्ट विद फैसिनेशन। We share your excitement. Yours is a historic endeavor. I hope it will make our country space conscious and inspire our young people to be more adventurous. Your work has great significance for increasing humankind's knowledge of the mysteries of outer space and its direct bearing on our planet's ecosystem and the other information we need. We want to use this knowledge for peaceful purposes and for the good of all peoples of our world. I was glad to hear that you're feeling well mentally, physically, and I hope that you will continue to do so. We equally admire the hard work put in by Wing Commander Ravish Malhotra, who has been a good companion to you during the arduous years of preparation. Your flight is eloquent testimony of the all-round cooperation between India and the Soviet Union. The government of India appreciates the Soviet Union's generous collaboration in this field. You are far in distance from us, but our hearts and thoughts are with you. ऐसी ऐतिहासिक वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।